हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें लोग बार बार हाथ धोते हैं। आखिर ये बीमारी है क्या और इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे अपने ही क्लाइंट की है, एक लड़की की जो 18 साल की है। इस बीमारी के क्या लक्षण रहते हैं? इस बीमारी में लोग बार बार हाथ धोते हैं जब तक उनको लगता है कि हाथ गंदे हैं। वो लगातार 15-15 मिनट तक हाथ धोते रहते हैं और 1-1 घंटे तक नहाते हैं क्योंकि उनको लगता है अभी भी वो गंदे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हैं या जानने वालों के साथ भी हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है ताकि आपको भी इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा गहराई से पता चले। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक लड़की की जो 18 साल की है। उसके साथ कुछ एक चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से पेरेंट्स मेरे पास उसको लेकर आते हैं। वो लड़की बार बार हाथ धोती है, दिन में वो 100 बार हाथ धोती है और 15 मिनट के लिए हाथ धोती है। उसको लगता है कि अभी भी हाथ गंदे, इसलिए वो 15 मिनट तक हाथ धोती रहती है। वो नहाने के लिए 1-1.5 घंटा लगाती है क्योंकि उसको लगता है अभी मैं साफ़ नहीं हुई हूँ। बाथरूम में जाके भी वो बकेट को साफ़ करेगी, मग को साफ़ करेगी, नलके साफ़ करेगी क्योंकि उसको लगता है कि किसी ने टच करे हैं तो ये भी गंदे हैं, उसके बाद वो नहाना शुरू करेगी। इस तरह से वो 1.5 घंटा नहाने में लगा देती है। बहुत सारा पानी जो है उसमें ख़त्म हो जाता है। और इससे बड़ी बात ये कि जब भी वो वॉशरूम जाएगी या उसके कपड़े वहाँ किसी चीज़ से टच होते हैं और वो वॉशरूम से बाहर निकलेगी तो वो कपड़े चेंज कर लेगी, या फिर अगर कपड़े चेंज नहीं करती है और अपने बेड पे या कहीं बैठती है तो उसको ये लगता है कि ये चीज़ भी गंदी हो गई है। अगर बेड पे बैठती है तो उसको लगता है मेरा बेड भी गंदा हो गया है, अब बेडशीट को भी चेंज करना है और ये कपड़े भी गंदे हैं तो इनको भी चेंज करना है। सो दिन में वो बहुत बार जो है अपने कपड़े चेंज करती है, दिन में 2-3 बार बेडशीट चेंज करना, जब उसको गंदा लगता है कि बेडशीट गंदी है तो बेडशीट को चेंज करना है। और अगर उसके रूम में कोई आ जाता है, अगर फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं उसके कमरे में, किसी चीज़ को उसकी टच कर लेते हैं तो उसको लगता है कि ये भी चीज़ गंदी हो गई है। इस तरह की परेशानियों से वो जूझ रही थी। इसके अलावा क्योंकि वो एक स्टूडेंट है तो बहुत सारी दिक्कतें उसकी पढ़ाई पर भी आ रही थी क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब उसको लगता है कि मेरी चीज़ों के साथ किसी ने टच कर लिया है, मेरी बुक्स के साथ या जिस बेड पे मैंने बुक्स रखी वो बेड गंदा है, वो बेडशीट गंदी है, अब बुक्स भी गंदी हो गई हैं, अब उन बुक्स को वो टच भी नहीं कर रही थी, पढ़ाई भी नहीं उसकी अच्छे से हो पा रही थी। क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उसके लिए पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसकी वजह से उसको वो चीज़ें बहुत जो थी वो तंग कर रही थी कि मेरी पढ़ाई पे इतना गलत इस चीज़ का असर हो रहा है, फोकस नहीं पढ़ाई पे हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से परिवार भी बहुत परेशान था। देखिए, परेशानी यही ख़त्म नहीं हुई क्योंकि परेशानियाँ तो डे बाई डे बढ़ ही रही थी क्योंकि अब फैमिली मेम्बर्स को भी वो कंपेल करती थी कि आप भी बार बार हाथ धो या मेरी चीज़ों को ऐसे टच मत करो, मेरे रूम में मत आओ, मेरे बेड पे मत बैठो, मेरी चीज़ों को आपने टच नहीं करना है नहीं तो ये गंदी हो जाएंगी। तो इस तरह से परिवार भी बहुत परेशानी में आ रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और इस परेशानी में फिर वो कई जगह सलाह भी लेते हैं और वो पूजा पाठ या दूसरे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं इसके साथ हो गया है, तो वो पूजा पाठ के चक्कर में या कहीं आपको पता है चेले और इस तरह से भी बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन फिर भी कहीं उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, फिर उनको थोड़ा ये लगता है कि कहीं हम डॉक्टर को दिखा लें तो बात बन जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर देखता है और उनको बताता है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये OCD के सिम्टम्स जो थे वो लड़की के अंदर आ रहे थे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इस बीमारी में होता क्या है कि किसी के अंदर कोई थॉट चली जाती है और वो थॉट बार बार उसके माइंड में घूमती रहती है। वो उसके माइंड में जो थॉट है वो इतनी बार आती है कि वो उसको परेशान कर देती है। और इस लड़की की जो थॉट थी वो गंदगी की थॉट उसके माइंड में आ रही थी कि ये चीज़ गंदी है, यहाँ मैंने टच कर दिया
तो वो उसके साथ ही ऑब्सेस्ड हो गई थी और इतने ज़्यादा परेशानी उसको आ जाती थी कि जब तक वो उस पर एक्ट नहीं कर लेती थी, वो कंपल्शन नहीं करती थी, मतलब बिहेवियर के रूप में नहीं लाती थी, हाथ नहीं धोती थी, तब तक उसको अच्छा ही नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसको हो जाती थी। सो ये सारी चीज़ों के साथ वो जूझ रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब पहली बार वो मेरी ऑफिस में आई थी तो उसने मेरे ऑफिस का डोर खुद नहीं खोला। उसने पेरेंट्स को कहा कि आप डोर खोलो, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, यहाँ पे गंदगी है। और फिर जैसे ही वो चेयर पे बैठी तो उसने कहा पहले तो चेयर को साफ़ करो और मुझे हैंड सैनिटाइज़र दो, मुझे हाथ साफ़ करने हैं, मुझे फील हो रहा है कि मेरे हाथ यहाँ आते ही गंदे हो गए। तो इस तरह की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे थेरेपीज चली, हमने उसके साथ वर्क करना शुरू करा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे और बीमारी थोड़ी लंबे समय से थी, तो फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पे भी उसको डाला गया और दवाइयां भी उसके अब रेगुलर चल रही हैं कुछ वक्त से, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। आप यकीन नहीं मानोगे कि पिछले कुछ समय से वो मेरे पास आ रही है रेगुलर काउंसलिंग सेशंस के लिए। तो वो अब खुद डोर खोलती है, अब उसको कुछ ऐसा नहीं लगता, आराम से बैठेगी, कोई हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करना। इवन जहाँ रिलैक्सेशन हम करवाते हैं तो उस बेड पे आराम से बैठना है, ये नहीं कि यहाँ की बेडशीट गंदी है ये चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से सारी चीज़ें करेगी और घर में भी वो सारी चीज़ें अब नॉर्मल रूप में करने लग गई है। अपने रूम में सबको एंटर करने देती है, उसके रूम में आके सब बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, और पढ़ाई पे भी उसका जो फोकस है, कंसंट्रेशन, वो दोबारा से वैसे ही कर रही है जैसे वो पहले करती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के सिम्टम्स जो हैं आपके अपनों में या किसी में भी आपके जानने वालों में आपको दिखते हैं तो आपको लेट नहीं करना है। कभी कभी हमें लगता है नहीं ये तो नॉर्मल चीज़ है और हम चीज़ों को छुपा देते हैं या हम बाहर बताना नहीं चाहते, पेरेंट्स से बात नहीं करते, डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, तो बहुत लेट हो जाता है। देखिए, बीमारी क्यूरेबल है, अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी एक अच्छी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है आप टाइमली प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उनके पास थेरेपीज़ होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं, काउंसलिंग सेशंस आपके रेगुलर होते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। सो, अगर आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं आपके जानने वालों में, तो आप टाइमली जो हैं वो प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। देखिए, मेंटल हेल्थ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहले मेंटल हेल्थ ही है। अगर आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, हम तो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ज़रूर अपना ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और इस वीडियो के बारे में, कैसा आपको ये वीडियो लगा उसके बारे में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजें। और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।